हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। आज सुबह सो के उठते ही मैं आ गई वॉक पे, क्योंकि यार सेब के बगीचों में वॉक करने मुझे रोज तो मिलता नहीं है। और यहाँ पे इतनी सुंदर फ्लावरिंग हो रखी है ना अभी पेड़ पे, मतलब छोटे छोटे से फूल निकल रहे हैं और पूरा खेत हरा भरा है, गांव भी हरा भरा है, इतनी चहल पहल है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब ये स्प्रिंग सीजन आता है ना और थोड़े थोड़े फूल खिल रहे होते हैं और हर जगह हरा भरा होता है। आपको भी दिखाती हूँ मैं, ये देखो सबसे पहले तो यही है पेड़ मेरे मुँह के आगे इतना बड़ा सा, और इसमें भी फूल लगे है। और अभी क्योंकि हम सन के अपोजिट है, आपको इतने अच्छे से दिखेगा नहीं, बट वहाँ आगे तक जहाँ तक नजर जा रही है ना वहाँ तक ये लगे हुए हैं और बड़ा सुंदर लग रहा था। और फिलहाल मम्मी पापा गए हैं मंदिर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले व्लॉग में, आज साजी है तो साजी के लिए हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मम्मी पापा सुबह सुबह ही निकल गए थे और हमने भी जाना है, बट उससे पहले मैं खाना बनाऊंगी ताकि जब वापस आए तो खाना रेडी हो, और उसके बाद तो बस हम भी निकल ही रहे यहाँ से। तो मैं बना रही हूँ आज प्याज की सब्जी, और मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रजत को मेरे हाथों की प्याज की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं ज़्यादा कुछ तो करती नहीं हूँ, सिर्फ धनिया का तड़का लगाती हूँ। मैं बिंदी लाना ही भूल गई, कुछ ना कुछ भूले ही हम दोनों जने। तो आपको क्या लगता, लग जाएगी? ऑफ कोर्स लग जाएगी। देखो यार ये मेरा टैलेंट। और अभी जैसे हम जब मैं अपने ससुराल में होती हूँ तो हम सिर पे दुपट्टा लेते हैं जब मंदिर जाते हैं कहीं, और यहाँ पे क्या होता है कि ढाटू पहनना होता है। तो अभी मेरे पास तो ढाटू था नहीं, मैं फटाफट से मम्मी की कबड़ में घुसी और वहां से घुसना पड़ा कबड़ में। हाँ तो ऐसा तो मिलना नहीं था, वहां से मैंने फटाफट से निकाल लिया। तो मेरा ही है, इसको कहते हैं आसकट। तो ये पहना और टाइट हो गया, टाइट नहीं हुआ, चलो तो मोटी हो गई, ये छोटा हो गया, मैं तो वैसे की वैसी हूँ। चलो जी ये पहनूंगी मैं ढाटू। सो फाइनली अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। पहले जो मैं ढाटू पहन रही थी वो भी मैंने चेंज कर दिया, फिर जो मैंने आस्कट पहनी थी वो भी मैंने चेंज कर दिया, और सारा मैंने मम्मी का ही पहना हुआ है। अभी मम्मी मिलते ही मुझे बोलेगी अच्छा खोल दिया मेरा सामान। और आपको पता है जो अभी मैंने सामान खोला, हेलो भैया, अभी जो मैंने मम्मी की कबर्ड खोली सब कुछ तो भोग दिया, बाहर निकाल दिया सारा, तब वापस आके मुझे डांट पड़ेगी या तो मम्मी से पहले मुझे वापस पहुंचना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए, वैसे तो हमको तीन मंदिर जाना था बट अभी हम एक मंदिर जाएंगे मम्मी पापा के साथ, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप दूसरे मंदिर भी जाएंगे। जैसे मम्मी ने बताया ना कि वहां आना है, तो मुझसे पहले रजत क्या लेता है, हाँ हाँ मम्मी मुझे पता है हम आ जाएंगे आ जाएंगे। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। लिफ्ट चाहिए थी जी, लिफ्ट रोको। कौन हो आप, कौन हो आप, बताती हूँ अभी पीछे गाड़ियाँ रुक रही है थोड़ी देर में बैठो। नहीं नहीं कोई नहीं, यही तो उतरना नहीं, चोर मेरा आज चोरी कर मैचिंग बन गया। मम्मी के पास आपने अक्सर ये देखा होगा, ये पिंक लाइन वाला मम्मी बहुत ज्यादा पहनते थे, मैंने यही निकाल के पहन लिया। अच्छे से मैच हो रहा है। थैंक यू। मेरे को तो सुबह सुबह खुद नहीं मिला, सुबह सुबह नहीं मिला, इतना चमचम करते आए हो। अच्छा इतनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है ना पेड़ों में, और ऐसे झुक झुक के जाना पड़ रहा है, बिकॉज हम अभी जिस रास्ते मंदिर को जा रहे हैं वो उससे दोनों तरफ खेत ही खेत है, और खेतों से पेड़ों की ब्रांचेज आ रखी है, और वो फूल बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। एक तो दिन सनी है, ऊपर से इतना अच्छा सेबों के फूल आ रखे हैं, तो मज़ा आ रहा है। और ये बर्ड्स की चर्पिंग, वाह। रजत मैं कैसी लग रही हूं? बढ़िया। घर पे भी देखा था ना तुमने तो? हाँ। कोई चेंज? तुमने वो चेंज कर दिया आजकल, इसकी शक्ल देखने लायक थी अभी रजत की, आस्कट भी चेंज कर दिया, ढाटू भी चेंज कर दिया। चलो जब पहुंचने वाले मंदिर यहीं पे ही है। पर यार ये मुझे तो ये बहुत सही लग रहा है जो फूल लगे हैं ना। अभी हम बढ़िया से दर्शन करके आ गए। एक्चुअली सनग्लासेस नहीं लगा रही हूँ ना, तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, और अगर सनग्लासेस लगा के बात करूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने बात ही नहीं की है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम दर्शन करके आगे, बड़ा अच्छा लगता है जब अपने कुल देवी देवता के पास आते हैं। अगर रजत तुम्हें याद हो तो हम शादी के बाद भी आए थे यहाँ पे, मुझे याद है, ऑफ कोर्स यहाँ बैठे थे और हमने पिक्चर खिंचवाई थी सब परिवार, और उस परिवार में लियो भी था साथ। जल्दी चलो मम्मी हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या हुआ? कुछ चल चल भाग आगे आगे। आगे कितनी गर्मी, ज्यादा तो गर्मी इतनी है ना, मैं तो सारी रख दी।
सही बात है। अभी एक्चुअली मैंने दादी को भी फोन किया था, मैंने कहा दादी कहाँ हो आप, मैं गाँव आई और आप मेरे को मिल ही नहीं रहे। कहते तू तो बड़ी बदमाश है, तू निकल गए, जल्दी जल्दी घर आओ। कहते अभी दिन को धूप हो रही है, शाम तक पहुँचती हूँ मैं। दादी मतलब जो लोकल एरिया होता है, कभी अपनी बहन को मिलने चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार को मिलने चले जाते हैं। तो जैसे उनको पता चला हम आए तो वो आ रहे हैं। खुद ही कह रहे थे बस शाम तक आई मैं वापस, मैं कोई नहीं कोई नहीं आराम से आओ। तो कहने का मतलब ये है कि धूप इतनी तेज हो गई कि दिन को बाहर निकलना बहुत मुश्किल है यार। चलो फिर चलो चलो चलो, नैना यहीं को आ रहा है, जल्दी चल, भागना नहीं भागना नहीं, वहाँ से भौ भौ कर रहा है, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। चल चल चल, गांव के कुत्तों को बाग में तो बिल्कुल ही मत लेना। अरे वैसे मम्मी एक बात तो देखने लायक हो गई, वरना यूजुअली रजत का क्या होता था, सबसे पहले खुद भागता था। अभी रजत ने मैं और मम्मी को बोला चलो चलो तुम आगे चल। मैंने एक्चुअली वो बात बहुत सीरियसली है कि फर्स्ट सेव योरसेल्फ देन थिंक अबाउट अदर्स, बट कभी कभी दूसरों का भी सोचना पड़ता है जब आपके परिवार पे आ जाए। नैना ये देखो बहुत ही अलग सा फूल है, इसमें अलग ही शाइन सी दिख रहा है, ग्लॉस जैसा कुछ। ऐसी नायाब चीजें मिलती रहेगी आपको। हाँ बट कुछ अलग सा ग्लास तो है। हाँ बहुत ही चमक रहा है। जैसे जैसे यहाँ की लड़कियाँ हैं उनमें भी अलग सा ग्लो है। मम्मी को देखो डायलॉग मारने से। किसकी बात कर रहे हो, अपनी या इसकी? लड़कियाँ बोली तो लड़की आप भी मम्मी को बोल रही थी, मम्मी ये सूट मुझे थोड़ा लूज है आप रख लेना। मम्मी कहती ना ना मेरी कहाँ ऐसे सूट पहनने की उम्र है, क्यों आपकी क्यों नहीं उम्र? कहते मैं तो नानी बन गई ना, मैंने नानी भी तो जवान हो सकती है। अगर इस टाइम पे हमको जंगल जाने का मौका मिले ना तो तुमको नई से नए फूल देखने को मिलेगा और नई से नई चीजें मिलेगी। जब हम छोटे छोटे होते थे ना विंटर्स में आते थे तो जो पाइन कोन्स होते हैं ना हम उनको कॉन्टू बोलते हैं, तो हम कॉन्टू इकट्ठे करने जाते थे और भी छोटी छोटी वाइल्ड चीजें मिलती रहती थी, बड़ी सुंदर और अलग सी होती थी। और हम उसे कश्तियां बोलते हैं। बोला था अच्छा खासा इधर से सीढ़ियों से तो ठीक है, पर घाघरा भी पता नहीं क्यों ही पहना मैंने। घाघरा ऐसा नसीब था ये बहुत। हाँ, चलो मुझे एकदम से ना अपनी सासू मॉम की याद आ गई। जैसे जब हम शादी के बाद पहली बार गांव गए थे ना, वहाँ पे मेरे ससुराल में गांव नहीं मंदिर गए थे गांव वाले। हाँ। तो वहाँ पे ना थोड़ा सा रास्ता ऐसा स्टीप सा था, तो वो बेचारे मम्मी मुझे आके पकड़ रही कि नहीं ना तुम चलोगी चलोगी, और मनी मन मुझे हंसी आ रही। मैंने कहा मम्मी आपको पता ही क्या है कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे चढ़ती हूँ। सब कुछ अच्छा हो जाए। देख आगे तकिए से जो पंचिंग बैग बनाया है ना, वाह आगे देख लड़के। अच्छा 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 ये सही है। ये होता है जुगाड़ के काम, और गांव के बच्चे देखना तुम सॉलिड क्या होते हैं। हम भी ऐसे ही करते थे, लकड़ी का बैट बनाते थे या कुछ ऐसे। कहाँ जाना है? शिमला। शिमला जाना है? नहीं। क्यों? आपको जाना है। अच्छा मैंने जाना शिमला आपके साथ। पक्की बात है? शिमला घूमना है? हाँ। शिमला में क्या करना है? कुछ घूमना, मैंने शिमला नहीं देखा। घोड़े के पास जाना है। अच्छा चलो ठीक है, ले जाओगी कभी तुम्हारे को जब थोड़े बड़े हो जाओगे ना, तुम्हारे मम्मी पापा भी भेजेंगे। वो देख छुटकू, वो क्या बोल रहा है छुटकू? ईदे कर रहा है दीदी को, ईदे के पास। अच्छा 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 शाबाश शाबाश। सो अभी मैं घर पहुंचने वाली थी वापस, यहाँ पीछे प्यारे प्यारे से मुझे बच्चे मिल गए, खूब बातें कर रहे थे, यहाँ से मुझे जाने नहीं दे रहे। एक बोलता मैं शिमला जाऊंगा, दूसरा बोलता मैं शिमला जाऊंगा। अब बताओ जी इनमें से किसको तो मैं शिमला लेके जाऊँ। फिर मैंने सबको बोला जब बड़े हो जाओगे ना मम्मी पापा जाने देंगे उस टाइम शिमला ले जाऊंगी, फिर घोड़े पे फोटो खिंचवाऊंगी सबकी। नीचे जल्दी डराते इनको, आ जाओ जाओ आ जाओ जाओ यहाँ खड़ते आ जाओ। हाँ ऐसे गुंडे बनना हमने की भाई यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। ठीक है रुको 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 जरा गाड़ी रोको, देखते रुकती है कि नहीं। पीछे नहीं जाना पीछे नहीं जाना, मैं भी तो खड़ी हूँ यहाँ पे। रुको रुको बोलो शिमला जाना है हमने। बताओ जरा भैया को क्या करना है। भैया हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते, पूछो इनको क्या चाहिए रजत। क्या क्या चाहिए? इन सब को शिमला जाना है। शिमला जाना है? हाँ। क्या करोगे शिमला जाने? घोड़े पे बैठना है। घोड़े पे बैठ के फोटो खिंचवानी है। अच्छा हाँ, पीछे पापा की गाड़ी भी आ गई, अब हम रुक नहीं सकते वरना ट्रैफिक लगेगा। चलो मैं आ रही हूँ। चलो कोई नहीं, घोड़ा यही ला देंगे। नहीं नहीं मैंने इनको कहा बड़े हो जाएंगे ना ये तब जाएंगे। ठीक है ठीक
ओके बाय बाय। पढ़ाई करो फिर पढ़ लिख के शिमला जाना। मैं तो पढ़ती हूँ। पढ़ती हो? मैं भी पढ़ती हूँ। मैं भी पढ़ती हूँ। वेरी गुड। पीछे से उसके भाई बहन कह रहे हैं हम भी पढ़ते हैं, मुझे भी जाना है। ओके बाय। तो जी अभी हम घर पहुंच गए। बहुत तेज गर्मी थी, मन कर रहा है कि अच्छा सा ठंडा ठंडा नींबू पानी पिए। मेरा नींबू पानी तो तैयार है और ये इतना टेस्टी बना है क्योंकि घर का पुदीना है और इसमें जो शहद है वो भी घर का शहद है। बोलने तो मेरे को और क्या कहते हैं, आज ने जैसे मैंने आपको बताया साजी है तो गाँव में साजी को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उसके लिए सारे गांव वाले अलग अलग मंदिरों में जाते रहते हैं, जितने भी गांव में मंदिर है ना। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे घर भी कुछ लोग बैठने के लिए आएंगे, क्योंकि जब मंदिर के लिए बाहर निकले होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर सबके घर बैठने चले जाते हैं। इनफैक्ट जब हम रास्ते में भी थे तो बहुत सारे लोग हमको बुला रहे थे कि आओ जी थोड़ी देर बैठो, बट क्योंकि आपको पता ही हमको थोड़े बहुत काम यहाँ पे भी थे, अपने नए घर में थोड़ी साफ सफाई भी करनी है, थोड़े बहुत काम भी करने हैं जो कि मैं अभी वीडियो में नहीं लूंगी, आपको बाद में दिखाऊंगी एक साथ। और दूसरा काम हमको ये है कि यहाँ पे भी लोग आने वाले, तो मैंने सोचा कुछ प्रेपरेशंस तो करके रखते ही है यहाँ पे। यार मेरी मम्मी मुझसे नाराज भी होती है और मानती भी यूं है। मान गई मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो मम्मी। एक्चुअली ना अभी रास्ते में आते आते मैं और मम्मी को थोड़ा सा पंगा हो गया था, और किस माँ बेटी में पंगा नहीं होता यार, सब में होता है, उसके बाद कॉम्प्रो भी हमारा एकदम से ही हो जाता है। सो अब ठीक है, वरना मुझे ऐसे ना डर सा लगने लगता है, मन भारी हो जाता है, मम्मी को पंगा जी नहीं बुरा तो लगता है ये बात तो है। तो अब मैं एकदम से फ्रेश हूँ, वापस से मेरी एनर्जी आ चुकी है। देखो पीछे गैस पे क्या है। ये तो मुझे पता है ये क्या है, तुम्हें बताऊँ क्या है। वैसे तो ये कढ़ाई है, मतलब हम इसको कढ़ाई कहते हैं, कढ़ाई होती है जब कढ़ाई के अंदर हलवा बनाया जाता है। जब हलवा बनाते हैं ना तो उसको बोलते हैं कढ़ाई। पहाड़ी डायलेक्ट में इसको कढ़ाई बोलते हैं, हलवा को। जी यानी कि अगर कढ़ाई में बड़ा कढ़ाई को कढ़ाई नहीं बोलते, अगर पतीले में बनेगा तो उसको कढ़ाई नहीं बोलेंगे, तो उसको पतीला बोलेंगे। नहीं पर आमतौर से इसको कढ़ाई में ही बनाया जाता है, काड़ काड़ के ना, तो हम ऐसे बोलते हैं कि आज देवी के लिए या देवता के लिए हमने कढ़ाई बनाई है। तो क्योंकि मम्मी पापा सुबह साजी के लिए निकले थे तो चढ़ावे के लिए हम कढ़ाई ले जाते हैं, तो मम्मी पापा कढ़ाई लेके गए थे, तो अभी ये हमारे लिए प्रसाद है क्योंकि वहां से वापस आया है। और ये पापा ने बनाया, आपने बनाया? ये तो मैंने बनाया है सुबह। अरे मम्मी ने बनाया है, और जो पापा बनाते हैं वो भी बड़ा टेस्टी होता है। मैं इसको चख भी चुका हूं। मम्मी बनाती है वो तो वर्ल्ड बेस्ट है, मम्मी से अच्छा तो कभी मैंने खाया ही नहीं। हां मैं बटकिन कर रही है। आज मैंने अपने व्यूअर्स को बताना है कि इसने मेरे को बहुत परेशान किया, आज इसको सजा देना सबने। ये कल शाम को आई है और इसने आज मेरे को बहुत परेशान किया। जी, इसको सजा दो। क्या सजा दी जाए? क्या सजा दे? एक टांग पे खड़ी होकर नाच नाच के दिखा। नहीं मैं देखती हूँ की मेरे व्यूअर्स इसको सजा क्या देते। अच्छा जी, ऐसा किस माँ बेटी में नहीं होता यार, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बाद कॉम्प्रो हो जाता है और उसके बाद वापस सब प्यार से रह लेते हैं। कैसी लगी सब्जी? बहुत बढ़िया। मम्मी आप बताओ कैसी लगी सब्जी? एवा पक्की बात है? अच्छी लगी। देखो जरा दादी आई मिलने कुछ लाए जो कितनी डबल इतनी मोटी तो जो डबल बनी है उनके लिए तो मैं थोड़ा दादी ने कैसे इसको दादी पोटली में इतना दादी का हाथ ना कटे ना उससे, इसलिए दादी ने वो फंसाया। दादी की जुगाड़ तुम नहीं समझ पाओगे। मुझे लगा दादी ने लॉक किया है। दादी अभी बाजार से आए इसलिए मेरे को दिखा रहे हैं वो क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं, अभी मुझे सबका दिखाएगी, इसके लिए ये लाई उसकी बोला। तो फिर नहीं बाकी किसी के लिए नहीं, ये जो है इसमें बस सिर्फ है एक इसके लिए फिर लिए नहीं, देख ले निकाल ले। अब नहीं देखा मैंने। बाप रे दो किसके है ये? लाया था मैंने उनके लिए, उनके नाम से। ये रूबी का है। रोजी का है। वाह दादी वाह, वाह जी वाह। बट बात ये है दादी आपको पता भी, पूरे दिन से आपका वेट हो रहा था। चल बेटे और दादी तो भी आई दौड़ दौड़ के। क्या शॉपिंग करके आए दादी? अपना ही साइज बड़ा ले आए। ये देख शॉपिंग, देख बटन चांदी। देखो जी जरा कैमरामैन जरा फोकस करो। देख वाह 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 वाह, ये कोटी भी मैंने खुद खरीदी है। वाह यार दादी चॉइस अच्छी हो रही है आपकी, तभी है पूरा मैचिंग सेट बनाया हुआ आपने, ढाटू भी मैचिंग है। सो अभी हमने डिनर कर लिया और दादी के साथ यहाँ गप्पे मारने बैठे हैं, और दादी की साथ गप्पे मार रही है, मैं सुन सुन के मेरे कान बिल्कुल बहरे हो गए। क्या सुन के? कि भाई ज्योति का सबसे गंदी। हाँ तो बस ऐसी बात है, दादी की नॉन स्टॉप चली है ज्योति का के फोन में जो इसकी वीडियो में
सुनो मैं भी देख देख के दुखी होगी, सब बोलते दादी बड़ी गंदी है, इतनी गंदी दादी क्यों है। बताऊं तो सही, आप गए कहाँ थे? दादी गए थे अपने मायके, फिर वहां से अपनी बहन के पास चले गए, फिर मतलब सब कुछ आस पास ही है ना, तो घूम रहे थे मजे मजे में, और जैसी दादी को खबर मिली कि मैं आ गई हूँ, इतने लोग पता नहीं पंडित वगैरह सारे, एक तो पंडित का लड़का से उसी उम्र का जैसा ही है। अच्छा, तेरा बीस साल का था ना, 20 का तो नहीं था, 40-50 21 बाईस ही है ना मेरी भी। कुछ भी बोले खजल हो रहे। तो कितना दादी मैं आपके हिसाब से? तो मेरे ख्याल से 27-28 साल का कम से कम। तो दादी आपकी पोती कितने की? नहीं तो मेरे ख्याल से 33-34 जम गया। लोग बोलो उम्र क्या है, मैंने कहा खुद बताओ, 70-72। आपकी त्वचा देख के नहीं बता सकता उम्र को, 70-72। मैंने कहा हाँ ठीक है, जब बोलते मैं इतनी उम्र तो खुद जाना, क्या कर रखा आप, मेकअप कर रखा है, क्या बना रही भाई तेरी मम्मी, क्या लड्डू बना रही, क्या कर रही लड्डू, हमारी जाने की खुशी में लड्डू बना रही है आपकी, खुशबू नहीं आ रही आप, पहले खुशबू से बताओ क्या बन रहा है, मम्मी यहाँ हमारे मन पसंद गुलाब जामुन बने हैं, ये कह रही हूँ माँ बाप की सेवा करो। दादी ये कह रहे कि तुमने अपनी मम्मी को क्यों लगाए, बिठाओ और तुम करो, तुम करो भाई काम, ठीक ये क्यों बना रही है मम्मी, माँ का दिल जो होता है ना बेटा। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, अब आपको भी बताती हूँ मैं। हुआ क्या, हम लोगों ने डिनर कर दिया है और मैं और रजत को किसी जरूरी काम की वजह से कल सुबह सुबह ही निकलना है, तो मम्मी को ऐसे हो गई तो सुबह चले जाएंगे, और नैना को गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद है, वो तो बनाने ही बनाने हैं। नैना क्यों भाई, नैना को ज्वाई को, सबसे पहले नहीं, ये तो नैना के लिए बन रही क्योंकि नैना को बहुत पसंद गुलाब जामुन है। बेटा रिस्पेक्ट कहाँ अच्छी लगती है, फिर जो है सोचेगा कि भाई नहीं पहले तो दादी ये है ना इस घर की, तो इसको पहले इज्जत मिलनी चाहिए। आपका जवाई पता कब खुश होता है? जब बेटी को खुश रखा, इसलिए मेरी सेवा हो रही है। हम भी तो खुश है जवाई, जब तुम्हारे को खुश रखेंगे, हम भी जवाई को खुश रखेंगे, तुम तुम्हारे को खुश रखेंगे, तब खुश है। तो ये खुशी का अगर जवाई घोचता रहेगा तो हम और घोचेंगे, तब तो भाई हम डांडे से। अगली बार को मैंने सरजीत की सारी शिकायतें आपके पास लाई, बस बस फिर आपने क्लास ले ली। नहीं ये शिकायत लायक है नहीं, मेरे को पता है। नहीं दादी इतना सीधा नहीं हूँ मैं। जलेबी जैसा सीधा जवाई है आपका। गुलाब जामुन खाने का मन था, उसको सर्व किया गया है। कितने गुलाब जामुन है? नहीं इतने नहीं खाऊंगी, 20 बस इधर भिजवा देना हम दोनों के लिए। 10 अगर छोड़ेगी आपकी सिस्टर। नहीं आपको क्या लगता है, आप और सार्थक जी जो शेफ हो, हम नहीं है शेफ, हम भी छोड़ बहुत तो है ही है, ज्यादा नहीं तो आई मम्मी रोजी। क्या बात है भाई, क्या बात है शेफ, क्यों चिढ़ रही है मम्मी ने, क्यों चिढ़ रही है, इतनी परफेक्शन कैसे आई। रोजी बोल रही है कि दादी को वेदर की पॉटी साफ करनी पड़ेगी, तब लाऊंगी इसको गाँव। हाँ। करोगे? और तभी मैं दादी को दिखा रही कैसे होती है पॉटी साफ। अरे अरे मुको बता ही नहीं तो तू शिकायत है। गुड मॉर्निंग यार, इतनी देर से मैं फास्ट फास्ट वॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना काफ़ी दिनों से ही हो रहा था कि मुझे रनिंग शुरू करनी है, कुछ करना है, तो फाइनली मैंने सोचा आज से ही शुरू कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में मुर्गा इतनी देर से बांग मारे जा रहा है, मैं कह इसने पूरे गाँव को उठा के ही मारना है। कहाँ भाग रही है? सामान की गाड़ी आई है ना, तो अभी सुबह सुबह पहुंचे, वो लोग बेचारे पूरी रात ड्राइव कर रहे थे। मैं कहा सबसे पहले इनको ब्रेकफास्ट कराते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे, और आज हमको भी निकलना है, इसलिए तो मुझे और भी ज्यादा जल्दी की फटाफट करो। चलो जी अब चलो, चले चलते काफी देर, इसीलिए तुम्हारे को मैंने मना किया था क्योंकि तुम आते जैसे हो नहीं होता हवा का झोंका, हम ऐसे मम्मी हम हिला के सब कुछ हिला के चले जाते हैं हम। उससे अच्छा था ऐसे जब अकेले पड़े हुए तो पता अकेले से ही करना है। चलो चलो तो कौन से आज आगे उसके बाद में आना, वापस आएंगे। इसी के साथ हमारा गांव का ट्रिप यहीं पे एंड होता है और हम निकलते हैं शिमला के लिए। आज जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, आशीर्वाद बना के रखना, भाग दौड़ तो सब करते हैं। आशीर्वाद तो तुम्हारे ही पर है बेटा, हमने अपने पर खुद को भी ऐसे देते खुद को।
तो मम्मी ने सुबह से इतना सारा ताम झाम कर रही थी, तो जो चीजें मम्मी से नहीं बनी है मम्मी कह रही है कि साथ दे देती तेरे। हाँ बस ये रह गया, तुम्हारा यहाँ से आने का मन नहीं करता। वो तो ऑफकोर्स रहेगा ही ना ऐसा, और बस मुझे नहीं कहना, चलो चलो। बिस्किट थोड़ी है पैसे है दादी, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ये तो वीडियो में आ जाएगा, फिर देख लो कितने लोगों को देना पड़ेगा। नहीं चल बांट के खाना भैया। देखो दादी ने क्या किया, मुझे पहले 1000 रुपए दे दिए और दोबारा से दूसरे पैसे दे दिए कि कम पैसे देती हूँ कैमरा का। क्यों 1 लाख का चेक भी तो दिया था। देखना मैंने कुछ अपना कर्म सही करना है, कुछ धार्मिक काम करूंगी। कोई नहीं, आप अपना ध्यान रखो, थोड़ा आशीर्वाद रखो बस। ये अपने नहीं, नहीं दादी बस, अब तो हम बड़े हो गए, कब तक देते रहोगे। कोई नहीं बेटा, बड़े तुम मेरे, तुम बड़े अपने लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए बच्चे है, मैं तो अपने बच्चों को ये सोचती हूँ छोटे ध्यान रखना अभी। हाँ तसल्ली से अपना ध्यान रखना भाई, ज्यादा इसमें नहीं उलझन में नहीं फंस। आप भी खूब मजे करना अपनी बहू के साथ। चल पच चलिए आज ऐसा ही हो रहा हमारे साथ। चलो सुबह से भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। अरे पापा भी आ गए। आगे चलो पापा जल्दी, बाय बाय। पूछो शिम। हाँ शिम, शिमला जा रहे हैं। चलना शिमला, चलना नहीं जाना। रेखा चलना। ओहो चलो बड़े हो जाओ तुम, फिर ले जाएंगे इसको। बाय शुभम है इसका नाम। बाय शुभम, थैंक यू। लो थैंक यू। घर से खाना खा के आते हैं कुछ लोग और फिर रास्ते में उनको एक बारी का खाया हुआ हमेशा के लिए थोड़ी रहता है। अब हमको ट्रैवल करते हुए आगे 3 घंटे तो हो ही गए। हाँ। भूख लग रही मुझे। हे भगवान मैगी हो गई इसके बाद, इसको स्वीट डिश भी चाहिए। मम्मी के हाथ के गुलाब जामुन लाई है साथ में। YouTube में दिख जाऊंगी आज। क्यूट सी सब्सक्राइबर मिली हमें यहाँ पे, और ये कह रही है कि इसको भी बड़े होकर ब्लॉगर बनना है, गेमिंग ब्लॉगर। अच्छा आपने अपना नाम तो बताया नहीं। यादवी कौशल। सबको बताओ आप वीडियो में, सब देखेंगे ना। शी इज सो क्यूट। और ये यादवी के पेरेंट्स है एकदम यादवी जैसे। यहाँ पे ये इनका कौन सी जगह ये? संजौली। संजौली ठीक है। लो जी तो ये भी हो गया, फाइनली हम घर भी पहुंच गए और सारा सामान भी लिया है। और हमको ना रास्ते में बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स दिखी, इसलिए हम इतनी सारी थैलियां लेके। ऑफ कोर्स ये हम, मैं और रजत तो खा नहीं सकते इतना सारा सामान। हमारे घर कुछ खास लोग आने वाले हैं, वो कौन आ रहे हैं वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। फिलहाल के लिए आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।